जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्रता एकादशी से संबंधित जानकारी दूंगा। पुत्रता एकादशी वाले दिन किस प्रकार से हमें व्रत रखना है, किस प्रकार से हमें उपाय करने हैं जिससे हमारी पुत्र संतान की मनोकामना पूरी हो, हमारे सभी पाप दूर हों, किस प्रकार से हमें व्रत रखना चाहिए और कौन सा ऐसा शुभ योग पड़ रहा है जिसका विशेष महत्व है इस बार, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो। जो भी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन दबा के ऑल को दबा दें मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। एकादशी का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करते हैं। एकादशी की जब आपने कथा सुनी होगी तो उसमें आपने सुना होगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी व्रतों में जितना मैं यज्ञ दान पुण्य से भी यज्ञ और ब्राह्मण को भोजन कराने से किसी से भी प्रसन्न नहीं होता, जितना मैं एकादशी के व्रत से प्रसन्न होता हूँ। प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों एकादशियाँ समान हैं। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएँ पूरी हो जाती हैं। इस बार एकादशी का व्रत, पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ योग पर पड़ रहा है। एकादशी अगर गुरुवार की पड़ती है तो वह महाशुभ योग माना जाता है। इस बार उसमें भी पुत्रदा एकादशी अगर गुरुवार की हो तो आप साधारण से भी उपाय करेंगे उनका विशेष फल आपको मिलने वाला है। कई ऐसे दोष होते हैं, आपने हरबंश पुराण की कथा में सुना होगा, कई ऐसे दोष होते हैं जिनकी वजह से पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती। या तो पितृरुष्ट होते हैं, या ऋण दोष होता है, या हमारे ऊपर कई ऐसे दोष होते हैं जिनकी वजह से पुत्र प्राप्ति में रुकावटें आती है, वंश वृद्धि रुक जाती है। अगर गुरुवार की पुत्रदा एकादशी पड़ जाए, काफ़ी सालों के बाद में ऐसा ये होता है कि पुत्रदा एकादशी गुरुवार की पड़े तो आपको अवश्य ही व्रत रखना चाहिए। व्रत कैसे रखना है आप ध्यान से सुने, फिर उसके बाद में कथा सुनाऊंगा। सर्वप्रथम सुबह उठते ही स्नान करना है। स्नान करते समय जो आप जल है जिससे आप स्नान करेंगे उसमें एक चम्मच दूध आपको डालना है और गंगा जल डालना है, उससे आपको स्नान करना है। उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ देना है। सूर्यदेव को अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः, ओम राम रीम स सूर्याय नमः आदि मंत्रों का जाप करेंगे। उसके बाद में आपको भगवान विष्णु के सामने बैठना है। सबसे पहले जो लड्डू गोपाल जी की मूर्ति होती है उसको आप स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में फिर आपको उनको आसन पर विराजमान करना है, वस्त्र पहनाने हैं। उसके बाद में उनको पीला चंदन लगाना है, अपने भी आपको चंदन लगाना है। उसके बाद में आपको वहाँ पर भगवान के सामने एक दीपक जला देना है। दीपक जलाने के बाद में भगवान के सामने फल अर्पण कर दें। फिर आपको हाथ में जल लेकर के संकल्प करना है कि प्रभु मैं पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप हमारी मनोकामना पूरी करें, ऐसा कहकर के वहाँ पर छोड़ दें। देखो, जो एकादशी जिस नाम से जानी जाती है उसी कार्य को करना चाहिए। जैसे मोक्षदा एकादशी है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। पुत्रदा एकादशी है, पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूरी करती है। उसी प्रकार से पाप मोचनी एकादशी है, हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है। तो विशेष महत्व होता है। संकल्प के बाद में भगवान के सामने दीपक जला करके, और इस बार दो शुभ योग पड़ रहे हैं, एक तो गुरुवार पड़ रहा है और दूसरा एकादशी है, तो बृहस्पतिवार की कथा जरूर सुने। उसके बाद में आपको एकादशी की कथा का श्रवण करना है। अब मैं आपको एकादशी कथा सुना रहा हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको उपाय बताऊंगा, ध्यान से सुने। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आपने सपला एकादशी का महत्व विधिवत बताकर बड़ी कृपा की, अब कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी का नाम, उसकी विधि और कौन से देवता की पूजा की जाती है मुझसे कहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु मुझे पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी की पूरी विधि बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसमें एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ।
भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैभ्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पिता रोरो के पिंड लेते हैं। अब ध्यान देना है कि पुत्र की आवश्यकता क्यों होती है। देखो इस कथा में भी आया है कि पुत्रहीन राजा के पिंड यानी पुत्रहीन राजा के पितर पिंडों को रो रो करके लेते थे। क्यों? कि राजा के कोई पुत्र नहीं था। अब उनको ये टेंशन रहती थी कि राजा के बाद कौन हमें जो है पिंड देगा, कौन हमारा श्राद्ध करेगा, कौन पिंड देगा। राजा के पुत्र ना होने के कारण बंधु बांधव धन हाथी घोड़े राज्य तथा मंत्री इन सब में से किसी चीज से भी वह संतुष्ट नहीं था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड देगा, बिना पुत्र के पितरों का और देवताओं का ऋण कैसे चलेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है, जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख नहीं देखा वह अभागा है, उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति नहीं मिलती, लेकिन जिसने पुत्र का मुख देखा है उसे शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया। राजन का जब मेरे पुत्र ही नहीं है तो इस धन का राज्य का मैं क्या करूंगा। उसने शरीर त्यागने का विचार किया, लेकिन आत्मघात को महान पाप समझ करके उसने ऐसा नहीं किया। एकदम राजा ऐसा विचार कर रहा था हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग व्याघ सुगर सिंह बंदर सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। सभी जीव जंतु अपने बच्चों के साथ क्रिया कर रहे हैं। इस वन में वही गीदड़ अपने कर्कश स्वर से बोल रहे हैं। इसी प्रकार उसको दोपहर हो गई। वह विचारने लगा कि मैंने कई यज्ञ दिए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, तृप्त किया, लेकिन फिर भी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम इस जगह पर कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वरों, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें, भगवान कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसने पारायण किया। मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आया। अंत में रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होकर अत्यंत वीर, धनवान, यशी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है, इस महत्व को सुनता है, इस दिन व्रत रखता है, उसकी पुत्र की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इस कथा को सुनने के बाद में फिर आप संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। एक टाइम फलाहार करें और एक टाइम ही आप भोजन करें। जैसे कूटू का आटा है, आलू है, इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। दिन भर भगवान का भजन करते रहें, मन मन में उच्चारण करते रहें। आप ऑफिस जाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, मन ही मन में भगवान के नाम का उच्चारण होता रहना चाहिए। तो बड़ी एकादशी है, बहुत ही अच्छा योग है। इस दिन आप ये उपाय करेंगे, विशेष लाभ मिलेगा। 11 तुलसी के पत्ते भगवान के सामने अर्पण करें। दीपक का विशेष महत्व होता है। भगवान के सामने दीपक जलावें, भगवान शिव के सामने दीपक जलावें, भगवान विष्णु के सामने तो आपको दीपक जलाना ही है, साथ ही तुलसी माता के सामने दीपक जलावें। इस दिन गौ माता की पूजा भी करनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस दिन केले के पेड़ के नीचे भी दीपक जलाएं और वहां पर भी आप स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। एक पीला धागा लेकर के आप केले के वृक्ष से लपेट दें।
साथ ही इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके वहां पर भी आपको कच्चा सूत लपेट देना चाहिए। दोस्तों अगर आपने ये उपाय कर लिए तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। उपाय पूरे विश्वास और लगन के साथ में करने हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।